आज 41वां दिन है। हमारे कितने भाई बीमार हो गए हैं, कितने भाई जो है परेशान हैं और कितने भाई बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे। अगर आपको लगता है कि अकेडमिक ही योग्यता का आधार है तो फिर आपका चुनाव भी अकेडमिक के आधार पर ही होना चाहिए था। लेकिन कोई भी ना कार्यालय भाजपा से हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ना ही मंत्री जी बात करने के लिए तैयार हैं। आखिर मंत्री जी क्या चाहते हैं? मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षक से शिक्षित कराना चाहेंगे जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है? तो आपका क्या नाम है भैया, आप कहाँ से आए? हमारा नाम राम प्रसाद धीमान है, तो मैं उन्नाव से आया हुआ हूँ। अच्छा। और आज 41वां दिन है हम लोगों का, और 31 दिन हम लोगों ने SCRT पे धरना दिया है, और वहाँ पर अधिकारियों ने कभी नहीं सुना है, और आखिरी में प्रशासन का सहारा लेकर के, DGP साहब से सहारा लेकर के हम लोगों को इको गार्डन जो है भेज दिया गया है। अब हमारे लोगों की समस्याएँ ये हैं कि 137,000 की जो बची हुई सीटें हैं, जो कोर्ट के अधीन थी, कोर्ट के जो है नियमानुसार भरी जा रही थी, उसके लिए जो है सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। आज 41वां दिन है, हमारे कितने भाई बीमार हो गए हैं, कितने भाई जो है परेशान हैं और कितने भाई बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे हैं। हम लोग कभी SCRT से भगाए जा रहे हैं, तो कभी भाजपा कार्यालय से भगाए जा रहे हैं, तो कभी मंत्री आवास से भगाए जा रहे हैं। हम अपनी बात रखने कहाँ जाएं? अच्छा ये बताइए, आपने बताया कई जगह से आप भगाए जा रहे हैं, कितनी बार लगभग आपने कितनी बार भाजपा कार्यालय में गए, कितनी बार मंत्री जी से बात करने की कोशिश की, कितनी बार योगी जी से बात करने की कोशिश, थोड़ा ये अंदाजा बताया हमें। मंत्री जी से हम लोगों ने 4 से 5 बार जो है कोशिश किया है बात करने के लिए, और भाजपा कार्यालय भी हम उसी दिन धरना देने जो है अपनी बात रखने के लिए गए हैं कि पदाधिकारियों से अपनी बात रखें और वो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचाएं। लेकिन कोई भी ना कार्यालय भाजपा से हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ना ही मंत्री जी बात करने के लिए तैयार हैं। आखिर मंत्री जी क्या चाहते हैं हम लोगों से? यदि मंत्री को इतना ज्ञान है तो वो अपनी ये बता दे कि एक दिन संगोष्ठी में ये बता रहे थे कि हमको अपनी ये विधानसभा का ज्ञान नहीं है, हमारी विधानसभा नहीं पता, तो वो शिक्षा विभाग के विषय में मंत्री कैसे बन गए हैं? हम अभी संगोष्ठी परसों नरसों इन्होंने किया है, उनको ये नहीं पता है कि हमारी विधानसभा एटवा विधानसभा कहाँ लगती है, कहाँ से नहीं लगती है, लेकिन हम योग्य अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारण करने में उनको इतना आंकना जो है अच्छा नहीं है। सरकार की हर फजीहत कराने में माननीय सतीश द्विवेदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, हम योग्य शिक्षकों के साथ उनका वो जो है अन्याय कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम खान है, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ, और हाँ, और 21 जून से हमारा धरना चल रहा है, और मैं लगातार 40वें दिन से यहाँ लगातार ही उपस्थित हूँ। अच्छा, और आप मतलब घर कम जाना पड़ रहा है आपका? मैं घर गया ही नहीं हूँ, हमारे बीच 40 दिन से यहीं पे हैं, हमारे बीच में त्यौहार भी आए हैं, मैंने सबको इग्नोर, पिछले दिनों बकरीद भी थी जी। मैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस समय मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सीटें जुड़वाना है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पीछे ही मेरा पूरा परिवार कहीं ना कहीं जो उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ है। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे घर में अम्मी हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, हमारी वाइफ हैं, भैया 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 पापा नहीं है, पापा इस बार कोविड की दूसरी लहर में गुजर गए। तो मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि जो इसकी कट ऑफ अलग थी, उसकी कट ऑफ अलग है, हैं, इसलिए इसकी सीटें नहीं जुड़ सकती। मैं बेसिक शिक्षा मंत्री से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, आपको कट ऑफ में तो अंतर नज़र आता है, ठीक है, लेकिन आपको 25 साल पहले के बच्चे के पढ़े हुए के, जो जिसने आज से 25 साल 20 साल पहले 10वीं 12वीं की है, और जो बच्चा जिसने 2012 के बाद हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन किया है, उसके उस बच्चों के एकेडमिक में आपको अंतर नज़र नहीं आता क्या? अगर आपको लगता है कि एकेडमिक ही योग्यता का आधार है तो फिर आपका चुनाव भी एकेडमिक के आधार पर ही होना चाहिए था। जब आपने अकेडमिक को ही लगाया तो फिर आपने सुपर टेट और टेट क्यों लिया? हम लोग 115-118 नंबर लाने के बाद भी बाहर हैं, जबकि 90-97 वाला जो है वो जॉब कर रहा है। ना तो हमारी बहनें जो हैं फूल कली आशा देवी बन सकती हैं, ना ही हमारे भाई पटेल बंधु या डीजे वाले बाबू बन सकते हैं, जो 142-143 नंबर लाने के बाद भी ये नहीं बता पाते कि हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको ऐसे शिक्षक पढ़ाएंगे क्या? मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षक से शिक्षित कराना चाहेंगे जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है? तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी है,
हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री की भी उन्होंने जिस तरीके से इस भर्ती को एक फिनिशिंग टच दिया है, और मैं उनसे यही कहूँगा एक बार फिर से कि निवेदन हाथ जोड़ करके आप किसी भी तरीके से जो 68,500 की जो भी 22,000 23,000, चूँकि आपने 23,000 सीटें कुछ खुद अपने मुंह से बोला है, तो जो भी वैकेंट सीटें हैं उनको 69,000 में प्लस करके इस 1,37,000 को पूरा कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान कीजिए। योगी जी, 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो, 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो, लाखों सीटें खाली है, 22,000 हमारी है, लाखों सीटें खाली है, 22,000 हमारी है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, 22,000 अधिकार हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, 22,000 अधिकार हमारा, योगी जी हम योग्य हैं, योगी जी हम योग्य हैं, 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो, 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो, लाखों सीटें खाली है, 22,000 हमारी है, लाखों सीटें खाली है, 22,000 हमारी है,